बेनू भी गड़ल हमारा दिलवा के दासा हवा। मेरे सामने काफ़ी खूबसूरत एक जोड़ी है, ये पति है और ये उनकी पत्नी है। ये लोग काफ़ी दूर दूर जाते हैं, इनके पास एक काफ़ी अच्छा सा खासा फॉलोवर वाला इंस्टाग्राम आईडी भी है। यही सब जानना चाहते हैं कि इनका लाइफ कैसे चल रहा है और ये लोग जो शादी किए, लव मैरिज शादी किए हैं कि अरेंज मैरिज है। काफ़ी अच्छा जोड़ी है और ये इंस्टाग्राम से काफ़ी अच्छा इनकम भी करती है। इनकम करके लोग गाड़ी भी खरीदते हैं, इसी से लोग घूमते हैं, उस पर वीडियो डालते हैं। तो यही सब जानना चाहते हैं कि इनको इतना जल्दी सफलता कैसे मिली है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार राकेश भाई, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल। नमस्ते राकेश सर, आप एक बात बताइए, आप इंस्टाग्राम पर इतना वायरल है, काफ़ी आपका वीडियो चलता है, कैसे आप वायरल हो गए? पता नहीं सर, पहले स्टार्टिंग में तो मैं वीडियो डालती थी, पहले तो बहुत कम लाइक आते थे, बट धीरे धीरे करके लोगों ने मेरे को पसंद किया, तो मैं उन सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इंस्टाग्राम पे मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। इसके लिए आप सबको थैंक यू सो मच। आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो आपके जो हस्बैंड है वो करते हैं, काफ़ी दूर दूर आपको लेके जाते हैं, आपका रील बनाने में हेल्प भी करते हैं, इनका कितना सपोर्ट आपको मिलता है? इनका सपोर्ट तो खैर ऐसे देखा जाए तो वाइफ को हस्बैंड का सपोर्ट तो मिलता ही है, बट मेरी फैमिली इतनी अच्छी है और सबसे अच्छी तो मेरी मदर इन लॉ है जो मेरी हर वीडियो को लाइक करती हैं। और मतलब बहुत ऐसी, मैं बहुत लकी बहू हूँ क्योंकि बहुत कम ऐसी सास होती हैं जो अपनी बहू को इतना सपोर्ट करती हैं। मैं कुछ भी पहनूँ, बिहार की बेटी हूँ, बिहार की बहू हूँ, मैं कुछ भी पहनूँ, उनको मतलब इस चीज़ से बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम क्या पहन रही हो। मैं शॉर्ट्स पे भी वीडियो बनाती हूँ, साड़ी पे भी बनाती हूँ, बट उनको बहुत अच्छा लगता है। बाकी मेरी सारी फैमिली, मेरे देवर हैं, मेरी देवरानी है, बच्चे हैं, वो सारे सपोर्ट करते हैं और मेरे जितने रिलेटिव्स हैं जो मेरे गांव के लोग हैं वो सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि मैं एक लकी पर्सन हूँ कि मेरी इतनी अच्छी घर में शादी हुई है और बाकी मेरे पेरेंट्स, मेरे मायके के लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो ये सबसे बड़ी ये लकी की बात होती है। अच्छा बाबा, आप बताइए, रील डालती हैं तो कॉमेंट भी आता होगा उल्टा सीधा, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, अब लोग जो ऑडियंस है ना, वो अलग अलग तरीके के सोच के लोग होते हैं, है ना। कुछ अच्छे भी, बहुत सारे अच्छे भी कमेंट्स आते हैं, जैसे मुझे अच्छी चीज़ें सीखने को भी लोगों से मिलती है कि क्या लोग इनको पसंद करते हैं, किस वे में पसंद करते हैं। बाकी कुछ लोग होते हैं तो उसको तो मैनेज करना पड़ता है ना, वहाँ से मैं इनको बोलता हूँ इनको रिमूव कर दो। क्या होता है ना कि उनका वो किस नेचर के वो पता चलता है, तो वो अपनी मेंटेलिटी खुद बताते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने दायरे में रह के वीडियो बनाती हूँ और जो मेरा वीडियो देखते होंगे उन्हें भी लगता हो, क्योंकि अगर मैं दायरा क्रॉस नहीं कर रही हूँ, अगर उसके बाद भी लोग गलत कमेंट करें तो ऑब्वियसली वो गलत है, मैं नहीं। अच्छा, आप बताइए, घर में राज आपका चलता है कि इनका चलता है, क्योंकि आप ज्यादा बोलती हैं। ऑब्वियसली मेरा, ऑब्वियसली मेरा चलता है। मैं बाकी मर्दों से अलग तो हूँ नहीं, जो हर घर की कहानी है मेरी भी वही कहानी, कहानी घर घर की। चलिए ठीक है, और आप लोग का क्या टारगेट है, आगे कहाँ तक बढ़ना है आपको? आप लोग काफी दूर दूर भी आते हैं, आप लोग का जो मतलब मैं देखता हूँ एक दो वीडियो जो आप लोग काफी इंजॉय भी करते हैं, जो अच्छा लगता है। जी जी, एक मतलब लगता है कि आप लोग खुशी हैं, संपन्न है बिल्कुल। राकेश जी देखिए, ऐसा है कि खुशी और संपन्नता की जहाँ तक बात है घूमने फिरने की, तो हम अभी जब से इंस्टाग्राम से जुड़ी हैं तब से नहीं कर रहे हैं, हम बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को हमने इंस्टाग्राम में इंक्लूड किया, यूट्यूब में इंक्लूड किया कि चलो हम इंजॉय तो कर ही रहे हैं, उसको हम लोगों को दिखाएं, अपने व्यूअर्स को भी दिखाएं, है ना, हम उन्हें भी इंजॉय कराएं। हाँ, बाकी इंजॉयमेंट तो हमारा शुरू से ही चल रहा है, घूमना फिरना हमें बहुत पसंद है शुरू से ही। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। और मैं आपका बाबा एक दो गाना सुना हुआ, आप काफी अच्छा गाना गाते हैं, आपका एल्बम भी निकला हुआ था, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों से एक गाना गा के सुनाइए। जी बिल्कुल, अच्छा गाइए कि वायरल हो जाए। मैं बहुत सारे गाना गाया हूँ और मैक्सिमम मैं भक्ति गीत ही गाता हूँ, जैसे छठ पूजा का गीत हो गया, देवी माता का गीत हो गया, है ना। तो बहुत सारे गाने मेरे हैं, लेकिन चूंकि मेरे आइडल हैं पवन भैया, है ना, उन्हीं का गाना गा के सुना, मैं एक उनका ही गाना मैं गाऊंगा दो लाइन, है ना, क्योंकि मेरे आइडल हैं, मेरे गुरु, मैं सब कुछ मानता हूं उन्हें, उनसे ही मैंने प्रेरणा लेके गाना सीखा और शुरू किया मैंने। तो उनका एक गाना है भैया, बड़ा अच्छा गाना लागल बा हमरा, दिल के छुए वाला गाना बाटे, दुल्हन गावत नहीं, किसने ही आ लगावल बहुत बात नइखे, किसने ही आ लगावल बहुत बात नइखे, कि नजरिया चुरावल
बहुत बात होला कि कोई के जियावल, बहुत बात नइखे कि कोई के जियावल, बहुत बात नइखे अजिया के मुआवल, बहुत बात होला। अरे काफी खूबसूरत, इनका आवाज काफी अच्छा है। अच्छा आपका कोई गाना वायरल हुआ है कि नहीं? जी ये गाना वायरल मेरा हुआ है एक्चुअल में। आपने कुछ दिन पहले एक सोनम गुप्ता सुना होगा आपने, जो 10 रुपए के नोट पे लिख के किसी बच्चे ने वायरल कर दिया था 2000 के नोट पे, तो उस समय पे वो सिग्नल एक मैंने गाना गाया था जो कि वायरल हुआ। और ये गाना था कि सोनम गुप्ता भैलू काहे बेवफा सनम, सोनम गुप्ता भैलू काहे बेवफा सनम, तहरा बिना जीएम कैसे जिंदगी के हम। ये गाना था और काफी लोगों ने आशीर्वाद दिया, पसंद किया, और ये गाना काफी मिलियन में गया है। तो आप देख सकते हैं राहुल मिश्रा भोजपुरी सिंगर, अगर सर्च मारेंगे तो मेरे सारे गाने आ जाएंगे, आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। सर एक्चुअली क्या है ना कि मतलब हमारा बिजनेस है और ये ट्रेडिंग भी करते, तो मतलब इस चीज में ये इतना टाइम नहीं दे पाते, इसलिए ये आगे कंटिन्यू कर नहीं पर कर रहे। लेकिन जब पैसा मोटा आने लगेगा तो ये टाइम देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल टाइम दीजिएगा, बिल्कुल देंगे। आप देखते हैं कि जैसे पति पत्नी बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बना के लाखों कमाते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अभी तक मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ, है ना, मैं शेयर ट्रेडिंग करता हूँ, तो टाइम दे नहीं पाता हूँ मैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इनकी मतलब मोटिवेशन को देख के कि इनका साथ हम मुझे देना पड़ेगा ताकि ऊंचाइयों को छू पाए। इनके पास जुनून है इसलिए मैं भी जी, बिल्कुल बिल्कुल इनके जुनून को देखते हुए। बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा जैसे मैम आपको कोई गाना बनाना आता है कि नहीं? सर एक तो मेरी आवाज ऐसे भी खराब हो रही है। आपकी आवाज काफी अच्छा है, आप गाना गाइए। गाना मुझे आता होगा ना, लाठी पूरी जासू हट। कोई गाइए ना, कोई नहीं आएगा तो सुहर वर आता है ना। हाँ सुहर, सुहर गाइए। अरे यार कोई भोजपुरी गाना बताना बेटा। सर मुझे भोजपुरी गाना तो नहीं आता। जो लड़के हैं वो भी काफी स्मार्ट हैं और बैक रिकॉर्ड कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। चलिए अब गा के बताइए कहाँ के प्रिया मटी का। देखिए गाइस मुझे भोजपुरी बिल्कुल भी नहीं आती है, मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, बट अभी मैं बिहार में है तो ऑब्वियसली भोजपुरी गाऊंगी। क्या है कहाँ? कोई गाइए ना। कहाँ के पियर माटी, कहाँ के कुदार हूँ, कहाँ के साथ सुहागिन मटी को रे जास हो। मैं अपने हस्बैंड का ही गाना गा देती हूँ। सोनम गुप्ता भैलू का है बेवफा सनम, सॉरी गाइस, तोरा बिना जी हम कैसे जिंदगी के हम। चलिए बहुत बढ़िया, काफी खूबसूरत परिवार है इनका। इनकी सासू माँ भी सपोर्ट कर रही है, इनकी माँ जी है। ऐसा परिवार सबको मिले और सब चीज में सपोर्ट करते हैं लोग, मतलब पॉजिटिव पॉइंट, ये लोग निगेटिव सोचते ही नहीं है। कभी नहीं सर, कभी नहीं निगेटिव सोचना नहीं चाहिए। वीडियो बनाती हैं तो ये आस पड़ोस के लोग तो कुछ तो बोलते होंगे ना? नहीं कोई नहीं, मेरे गांव के लोग भी। मेरे दादा ससुर जी तक आ चुके हैं मेरी वीडियो में, उन्हें बिल्कुल वो पता है, वो लोग क्या कहते हैं कि यार बच्ची ही तो है, क्योंकि किसी की बेटी हमारी बेटी है। तो जब सबसे बड़ी थॉट होती है, अगर किसी इंसान की थॉट अच्छी है ना, तो फिर वहाँ पे सब कुछ सक्सेस है। देखिए हम भी जब वीडियो बनाना स्टार्ट किए तो लोग काफी बोल रहे थे कि ये दिल्ली का नौकरी छोड़ दिया, 1 लाख का 1 लाख सैलरी था मेरा टावर में, उसको छोड़ के आके मैं अंडरसाउंड वीडियो बनाने लगा। आज उसी के बदौलत सब चीज है मेरे पास, अच्छा खासा इनकम भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी कीजिए, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल, आपका साथ चाहिए और लोगों का साथ चाहिए, बाकी हम मेहनत बहुत करेंगे आगे। अभी तक इनके साथ जो भी अकेले मेहनत करती थी वो मैं इनका बहुत सपोर्ट करूंगा, साथ में मिलके और मेहनत करके हम आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट किया, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है marya_misra7799। लेकिन मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, अभी बहुत कम टाइम हुआ, तो प्लीज़ आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मुझे यूट्यूब पे भी उतना ही प्यार दीजिए, उतना ही सपोर्ट कीजिए, और अपनी बिहार की बेटी को, अपनी बिहार की बहू को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप हैं तो हम हैं, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ मुझे ऐसे आप लोग अप्रिसिएट कीजिए, आगे बढ़ाइए, मैं आप लोगों की ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों एक छोटा सा बात मैं बता के इस इंटरव्यू को ख़त्म करता हूँ। YouTube में क्या है, आपके पास नेट ऑटोमेटिक डेली मिलता है, डेली ख़त्म होता है। दूसरे का वीडियो देख के दूसरे को आप लोग पैसा कमाते हैं, उनका वीडियो देखिएगा तो लोग पैसा कमाएंगे, और उसी नेट में डेली एक वीडियो, डेली एक रील डालिएगा तो
तो हो सकता है आगे चल के आप भी लाख दो लाख का महीना कमाने लगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना नेट बचा के रखिए। और सबके पास यूट्यूब चैनल होता है, सबके पास फेसबुक पेज होता है, जिससे वो लोग दूसरे का वीडियो देखते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि उनका अपना चैनल भी है, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सभी आगे बढ़े और करें। जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है, बस उसको आपको लोगों को दिखाना है। आपकी जिंदगी में जो घट रहा है उसको लोगों को दिखाइए, उससे अगर आपको पैसा मिलता है तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आप लोगों का सपोर्ट जो किया हूं, बहुत बताया, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है राकेश भाई। और आपका अर्निंग सब कुछ आपने अपने दम पे, आप इतनी आगे बढ़े, है ना, और आपका सपोर्ट अगर जिसको मिल जाए तो हम बहुत लकी हैं और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप जैसा व्यक्ति हमारे साथ है। चलिए ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों का यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, इनकम भी कराया हूँ, दिखाया भी हूँ, इनका भी इनकम करा के ही इनका साथ छोड़ूंगा जब ये लोग पूरा सफल हो जाएंगे। तो आप लोग भी तैयारी कीजिए, वीडियो डालिए, दूसरे का वीडियो देखिए, एमबी नेट खत्म मत कीजिए। बाकी आप लोग इनका चैनल का लिंक अगर चाहिए आप लोगों को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इनके फेसबुक का, यूट्यूब का सारा लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।